नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन एक वीडियो सचिन का भी वायरल हुआ है जिसमें सचिन ने एक चील की जान बचाई है। फेसबुक पर इस वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। देखिए इस वीडियो में मैंने पानी रखा हुआ है, अभी देखेंगे अगर चिकन खाएगा या ब्रेड जो भी है, हम ज्वारी भी आस्ते आस्ते लेके आने वाले हैं, खिलाएंगे, देखते क्या। Going to be $1 billion moment soon. Dekho. There we go. Come on. Go for it. Are. Wow. Perfect. Ye lo. Ye baat hui. This is special moment, isn't it? जो दोपहर को हम कह रहे थे कि ये बर्ड बहुत तकलीफ में है, अभी स्लोली मुझे दिख रहा है कि रिकवर होते हुए, मगर एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं सर्प से जो ये सारी मुसीबतें इनकी दूर करते हैं। हमारे साथ है संतोष और चैतन्य, मैं उनको वहाँ तक लेके जाने वाला हूँ, और जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं उनका टच कुछ अलग ही होता है, तो उनके हाथ में छोड़ देते हैं। बाहर घेऊन जायचं ना, तर इकडे गेलं तर आय थॉट भरपूर जास्त डिफिकल्ट असेल, मुझे लगा की बहुत मुश्किल रहेगा, मगर वी ऑल्सो नॉट मोर देन 5 सेकंड्स लिटरली बेसिकली। इट्स अ कॉमन बर्ड नेम्ड एज ब्लॅक काईट आणि इट्स जुवेनाइल, आणि थोडंसं डिहायड्रेशन आहे, त्याला थोडं डिहायड्रेशन आहे, but I don't think so it will take much time to get cure, hardly 10 to 5 days or more than that. So that's, and then we can back release to in the wild, फिर उड़ पाएगा फिर। Excellent. मेरा मैसेज यही है कि अगर कहीं ऐसे कोई भी एनिमल या बर्ड मुसीबत में रहे, क्लियरली आपको दिखता है कि सर नॉट इन अ पोजिशन टू फ्लाई, तो सर को फोन कीजिए, इनका हेल्पलाइन नंबर आप कहना चाहेंगे? जरूर, 9821-34056 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये उनका ख्याल रखेंगे। इट इज एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग, बिलीव मी, आई एम श्योर यू विल डू इट। थैंक यू। काफी डिहाइड्रेट हुआ है, तो हम यही कोशिश कर रहे थे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। आई थिंक जब हम क्रिकेट खेलते थे तभी भी यही मुसीबत होती थी, धूप में खेल के बॉडी टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता था, तो आइस बाथ लेते थे, तो दिस इज काइंड ऑफ एन आइस बाथ। गेट वेल सून माय फ्रेंड। तीन दिन पहले इन्होंने मुझे कहा था कि इसे 5 से 10 दिन लगेंगे रिकवरी के लिए, मगर सर्प एनजीओ ने कमाल कर दिखाया है, 3 दिन में सिर्फ रिकवर किया है इसे, इसका ख्याल रखा है,
एंड द बर्ड इज फिट एंड फाइन टू फ्लाई. मैं यही कहूँगा कि माय फ्रेंड यू आर मेंट टू फ्लाई, सो टेक ऑफ, कम ऑन. That's good. मेरा मैसेज यही रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी हो रही है, जैसे सर एनजीओ से भी मेरे सारे दोस्त यही कह रहे थे ना, अगर लोग उनके घर के बाहर या अपने टेरेस पे भी एक छोटे बर्तन में पानी रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पानी रखेंगे घर के बाहर. थैंक यू.